माननीय रामानंद साहेब जी को भी परमात्मा सचखंड लेकर गए थे, वापस छोड़ा उनको। तब रामानंद जी ने कहा था, दोहु ठोर है एक तू भया एक से दो, गरीब दास हम कारण तुम आए हो मगजो। यहाँ पर जो गरीब दास जी का नाम साथ में आता है, ये गवाह हैं परमात्मा के। जैसे तुलसी दास जी ने लाखों वर्ष पहले की रामायण को यानी घटनाओं को जो श्री रामचंद्र जी के साथ बीती थी, उसके लाखों वर्ष पश्चात अब कलयुग में अपनी भाषा में चित्रार्थ कर दिया एज इट इज ज्यों का त्यों, क्योंकि उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई थी। जिनकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है वो आगे पीछे का बहुत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन दिव्य दृष्टियों में भी अंतर होता है, जैसे सूक्ष्मदर्शी दूरबीन होती हैं उनकी रेंज भी होती है, ऐसे ही इनकी भी दिव्य दृष्टि थी। लेकिन जो गरीबदास जी को दिव्य दृष्टि मिली वो बहुत पावर की थी, और इनकी दिव्य दृष्टि जो तुलसीदास जी को मिली थी ये इन स्वर्ग लोकों से ऊपर नहीं देख सकते थे, और गरीबदास जी ने सब ब्रह्मांडों को देखा, यहीं बैठे देखा, स्वयं भी साथ जाकर देख कर आए थे, उसके बाद उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई तो यहाँ बैठे भी सब देखा करते थे। तो उन्होंने भी 600 वर्ष पहले जो परमात्मा आए थे, जो लीला करके गए थे बनारस काशी में जुलाहे के रूप में, वो सब आँखों देखा उस समय का, क्योंकि ये क्रियाएँ समाप्त नहीं होती, ये चलचित्र की तरह प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में फीड हो जाती हैं। जैसे इंटरनेट में जो डाली हुई मैटर है वो सब अपने कंप्यूटर में डाल सकते हैं, विद्यमान रहता है, तो जिसने उसको डाल कर ओपन कर लिया, डाउनलोड कर कर और देखना शुरू कर दिया तो सब कुछ देख सकता है, ऐसे ही जानो। तो गरीबदास जी ने परमात्मा की ये सब लीलाएँ जो हुई थी वो प्रत्यक्ष दृष्टा है, इसलिए गरीबदास जी का नाम इसमें साथ आता है। तो आदरणीय रामानंद साहेब जी कह रहे हैं कि तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुर तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश, तुम ही परमात्मा हो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम ही यहाँ संत रूप में एक तत्वदर्शी संत की भूमिका भी आप ही कर रहे हो, और तुम सतगुरु तुम हंस, आप ही सतगुरु हो, सच्चा ज्ञान देने वाले और अधिकारी नाम देने के, और तुम ही हंस हो। हंस अर्थात जो एक भक्त के अंदर जो गुण होने चाहिए वो भी कहते हैं परमात्मा आप में ही विद्यमान है, और आपके बिना आपकी शक्ति के बिना या और न दूजा अंश, आपकी शक्ति से ही सब ब्रह्मांड चल रहे हैं, आपकी शक्ति से 6 प्राणों में ये शक्ति है चलने और बोलने की, हे परमात्मा तेरे बिना तो कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ गरीबदास बता रहे हैं, और वो वह चित्रण जो किया था एज इट इज चलचित्र देख कर गरीबदास जी ने सारा कुछ लिखा था। तो वो बता रहे हैं कि वो परमात्मा दोहु ठोर है एक तू, ऊपर सतलोक में अपने यथार्थ रूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसा रूप है भगवान का, ऐसा एक रोमकूप की शोभा है, तो साकार है रोमकूप है साकार है, और हंस जाकर उस पर चंवर करते, और ये राधा स्वामी वाले धन धन सतगुरु वाले ये जय गुरुदेव पंथ, ये नो कहें सतलोक में भगवान है नहीं, प्रकाश ही प्रकाश है, नूर ही नूर है, आत्मा नूर में जाके परमात्मा में ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में, ये तो डूब का मरने वाली बात है किसी की मत, चलो समुद्र में कोई नो कहें भगवान में लगा मारो छलांग, इसमें एक भी ना जा बुलाए तो भी धक्के भी ना पड़े उसमें। तो इनकी सारा सिद्धांत गलत, इनका नाम गलत, पांचों नाम काल के जानो जब दानी मन शंका आनो, ये पांचों नाम काल के हैं। फिर कहा कि और नाम है इनसे पांचों से अलग, वो यही जाप करना होगा।
सोए गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे। गुरु नानक देव जी की वाणी में पंडित जे तू पढ़िया दो अक्षर बिन दो नावा, परणवती नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। कि दो अक्षर का नाम है और जो इस दो अक्षर के नाम से परिचित है, सतनाम है, वो दो अक्षर का एक ओम है, उसमें एक तत् सांकेतिक है, तो वो पूरा गुरु होगा। तो ये अधूरे गुरु हैं राधा स्वामी वाले, जय गुरुदेव वाले, और ये सारे धन धन सतगुरु वाले, ये ठाकुर जी वाले, ये पांच नाम पर गाटा जोड़ रहे हैं। और इन धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली वालों ने चतुरता दिखा रखी है। किसी ने टोक दिया होगा कि तुम जब काल के नाम जप रहे हो पांचों, इन्होंने अलग से तीन नाम शुरू कर दिए, सतपुरुष, अकाल मूर्त और शब्द स्वरूपी राम। बता, इन्होंने ये तो चतुरता दिखा दी, कब कोई नूना कहेगा तुम काल के नाम जपो, पर ये नाम का जाप करण के कोनी, ये तो परमात्मा के पर्यायवाची नाम है महिमा के। जैसे अकाल मूर्त, जिस साकार परमात्मा की, मूर्त माने साकार, जिसका नाश ना हो, काल ना आवे, वो अकाल यानी वो अविनाशी परमात्मा। और सतपुरुष, सत का नाश नहीं होता, पुरुष माने प्रभु, तो अविनाशी परमात्मा, सतपुरुष का अर्थ भी अविनाशी परमात्मा, अकाल मूर्त का अर्थ भी अविनाशी परमात्मा। और शब्द स्वरूपी राम, शब्द खंड नहीं होता, अविनाशी है राम, वो अविनाशी रूप यानी अविनाशी परमात्मा, उसका अर्थ भी शब्द स्वरूपी राम का अर्थ भी अविनाशी। अब ये तो ऐसी क्रिया है इन धन धन सतगुरु वालों की, सच्चा सौदा वालों की, सिरसा वालों की और जगमाल वाली वालों की। और एक यहाँ पर इसार के आसपास भी है, मस्तान्य मस्तून्य के अपने आप न हुए, ये सारा एक का कुएं का पानी समझ लो। ये तो ऐसे करते हैं, गंगुआ में, गंगुआ के अंदर एक मस्तानों का डेरा, 600 मस्ताना, फिर 900 मस्ताना, कई 1000 मस्ताना हो जाएंगे, और कह कहेगा पता नहीं इन लोगों को, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, सतपुरुष, इसका जाप करते रहो, परमात्मा मिल जाएगा। अरे ये तो भगवान की उपमा है, जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर, जल पानी नीर, ये करते रहो सारी उम्र, ना जल मिले कुछ नहीं मिलेगा, उसके जल पानी नीर जिसको तुम बोलते हो, उसको पाने का प्रोसेस अलग है, प्रोसीजर न्यारा है। बोकी लाओ, मशीन लाओ, बोकी पाइप लाओ, और फिर उसमें संघर्ष वो करो प्रोसीजर, और वो है सतनाम के दो अक्षर का। सतनाम का जो जाप है दो अक्षर का है, वो उसमें एक ओम है और एक तत् है गुप्त, जिसको सतनाम प्राप्त हो चुका है वो समझ सकते हैं इसको। तो उस सतनाम की बोकी श्वास, उस श्वास से लगानी पड़ेगी। अब जैसे बोकी लगाते लगाते नीचे चले गए, मिट्टी बाहर डालनी है, पाइप अंदर चली जाती रहेगी, बोकी से मिट्टी बाहर डालते रहेंगे और वो पाइप चली जाएगी जल तक। जल तक पहुंचाने का काम है इस दो अक्षर के नाम का, यानी बोकी और पाइप का। उसके बाद फिर सार नाम है, यानी सतनाम के जाप से हम 21 ब्रह्मांड पार कर सकते हैं और 7 संग ब्रह्मांड इस अक्षर पुरुष के पार कर सकते हैं, सर पुरुष और अक्षर पुरुष, और तीसरा है परम अक्षर पुरुष। उस परम अक्षर पुरुष के लोक में स्थाई स्थान पाने के लिए वो सार नाम है, उसको आदि नाम भी कहते हैं। सार नाम कहो, आदि नाम कहो।